ग्रीन बिल्डिंग सेंटर घरे मापना भरोसा कर सकी थे हमारे उत्पाद हाँ ACC ईंट ग्रीन पेवर्स ACC ग्रीन प्री कॉस्ट बाउंड्री वॉल लाल ईटन से सस्ता चार गुना मजबूती एवं ACC के विश्वास पता है उड़गड़ी बरगवा सिंगरौली। मध्य प्रदेश में अवैध खनन के कारोबार खूब तेजी से फल फूल रहा है। बात की जाए कि अगर रेत की तो रेत माफिया इस समय कदर सक्रिय हाँ के कार्रवाई करे खातिर अगर पुलिस की टीम पहुंचाती तो उनका तक खदेड़ दिन जाते हैं। और अब प्रदेश के खनिज मंत्री एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। दरअसल अब मध्य प्रदेश में अवैध रेत के परिवहन करे वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अवैध खनन और परिवहन पर विभाग के द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाए। तो विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल वहां पूजा अपना पंचे सभी जन का प्रणाम कही से शुरू करी थे। बड़ी खबर से बता दी कि मध्य प्रदेश में अब खनिज विभाग सख्त मोड में नजर आ रहा है। लंबे समय से होने वाले रेत के अवैध खनन का रोके खातिर हालांकि सरकार के द्वारा इसे पहले कई अखबार दावा किए गए रहे पर आज तक ये दावा जो रहे महज खोखले साबित बेहमा कहो कहो अवैध परिवहन जो है और खनन है रेत के खूब फल फूल रहा है पूरे प्रदेश भर में। आए दिन अवैध रेत खनन और परिवहन के जुड़ी खबर सामने आवत रहती है। हालांकि ये बार प्रदेश के खनिज मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह के कहा है कि अब अवैध रेत परिवहन का रोके खातिर कुछ हट के हाईटेक तैयारी की जाला ही है। प्रदेश सरकार अब अवैध खनन और परिवहन का रोके खातिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ले वाली है। परिवहन मंत्री के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित मानव रहित चेक पोस्ट बनाए जाएंगी जिससे रेत के अवैध परिवहन का आसानी से पकड़ा जा सके। ये मामले में बरगी से कांग्रेस विधायक संजय यादव के कहा है कि 18 साल से सरकार रेत के अवैध खनन का याद नहीं आई। कांग्रेस विधायक के द्वारा कहा गया कि इनका यह पता है कि अब इनकर सरकार जाए वाली है और लिहाजा अब ये मेयर के बयानबाजी की जाला ही भाई। इतने नहीं संजय यादव के द्वारा यह आरोप लगावा गया कि खुद खनिज मंत्री घोटाला में शामिल हैं। हालांकि मामले में मध्य प्रदेश खनिज मंत्री का कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से लैस कीन जाला है और ये डिवाइस से खनिज विभाग के बैरियर पहुंचे वाले वाहनन का स्कैन कीन जाए जिससे वाहन में भरे खनिज के वजन और रॉयल्टी से जुड़ी पूरी जानकारी खनिज विभाग के सिस्टम में ऑटोमेटिक पहुंच जाए। खनिज मंत्री के द्वारा यह दावा कीन जाला है कि ऐसा करें से वह गाड़ी बैरियर से गुजर पाई ही जो नियम के मुताबिक परिवहन कर रहे हैं जबकि अवैध परिवहन करे वाले पर सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि खनिज मंत्री के द्वारा घोषणा की गई है देखने वाली बात यह हुई कि अब सरकार कोरमेर से प्रदेश भर में अवैध रेत के उत्खनन और परिवहन पर नियंत्रण लगावे के काम करती तो सजग रही और सतर्क रही रखी आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल दे इजाजत पड़ा। एनिमेशन विजुअल इफेक्ट इन सभी में रोजगार की अपार संभावना है। कल्पना और तकनीक का अद्भुत मेल एरिना एनिमेशन अब सतना में। यहाँ है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर उन्नत कंप्यूटर लैब और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का साथ। ग्राफिक्स डिजाइनिंग 2D एंड 3D एनिमेशन और VFX की अनूठी राह खोल देगी सफलता के नए द्वार। संभावनाओं का असीमित आकाश एरिना एनिमेशन। एरिना है तो जॉब है।